पॉल्यूशन को लेकर चाइना ने जो सॉल्यूशन निकाला उससे काफी हद तक प्रदूषण पर रोक जरूर लगी। पहले चीन ने 90% शहरों में प्रदूषण उसके हुआ करता था, धुंध की चादर से ढके बीजिंग की आलोचना होती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन ने पॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन निकाला है उस पर यह रिपोर्ट देखनी जरूर बनती है। प्रदूषण के मामले में कभी चीन के हालात भारत जैसे हुआ करते थे। महज 7 साल पहले चीन के 90% शहरों में प्रदूषण का स्तर मानकों से ज्यादा था। चीन ने इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए और आज उसके शहरों की वायु गुणवत्ता काफी हद तक सुधर चुकी है। भारत के अब तक के कदम कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। चीनी शहरों में वायु प्रदूषण 2013 में विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में चीन के शहर सबसे ऊपर थे। धुंध की चादर से ढके रहने वाले चीन के शहरों, विशेष रूप से बीजिंग के कारण चीन की दुनिया भर में आलोचना होती थी। बीजिंग के लोगों की मास्क लगाई हुई तस्वीरें दुनिया भर में प्रकाशित होती थी। चीन के कदम, चीन की सरकार ने 2013 में नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान बनाया और प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण पाने में कामयाब हो पाए। बीजिंग पर कारगर योजना, देश की राजधानी बीजिंग सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। चीन ने इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। यहां और इसके आसपास स्थापित कारखानों में ताले जड़ दिए गए। स्टील और एल्यूमिनियम के कारखानों में उत्पादन कम कर दिया गया। साल 2014 में प्रदूषण फैलाने वाले लाखों वाहनों को सड़क से हटा दिया गया। रेड लाइन क्षेत्र घोषित कर सभी वन और हरित क्षेत्र के आसपास निर्माण कराने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अक्षय ऊर्जा पर ज्यादा जोर, चीन इस वक्त कोयले की बजाय अक्षय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर भी बनाया है। 2014 में भारत सरकार कहती थी कि दिल्ली में बीजिंग की तुलना में कम प्रदूषण है। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने भी अपने आंकड़ों के आधार पर यह माना था कि भारत में गर्मियों और मानसून की हवा बीजिंग की तुलना में साफ है। केवल सर्दियों में हवा की गुणवत्ता खराब होती है या कहें बीजिंग की तरह होती है, लेकिन 5 साल में स्थितियां बदल कर रह गई हैं। आज दुनिया के 200 प्रदूषित शहरों की सूची से बीजिंग बाहर निकलने को तैयार है। जारी होता है पूर्वानुमान। चीन में वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रख रही एजेंसियां मौसम की तरह पूर्वानुमान जारी करती हैं। किसी भी एक दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के 200 के ऊपर जाते ही ब्लू अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इसके तहत धूल नियंत्रण संबंधी उपायों के साथ साथ निजी वाहनों के परिचालन और स्कूली बच्चों की बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए विशेष हिदायतें दी जाती हैं। इसके बाद सूचकांक अगर लगातार 4-5 दिनों तक 200 के ऊपर बना रहता है तो रेड अलर्ट जारी कर तत्काल आपातकालीन उपायों की घोषणा कर दी जाती है। तुरंत जारी होती है एडवाइजरी। चीन में प्रदूषण के पूर्वानुमान के तहत ही ऑड इवन और कर्मचारियों के वर्किंग शिफ्ट को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। भारत में ऐसा तब होता है जब प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। 60% कम करेगा वायु प्रदूषण। चीन की दावे की माने तो अपने प्रमुख शहरों में साल 2020 तक वायु प्रदूषण के स्तर को 60% कम कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।